दोस्तों, धाकड़ बल्लेबाज वेंकटेश्वर अय्यर ने कहा कि गौतम गंभीर के केकेआर में वापस आने के बाद हम आईपीएल जरूर जीतेंगे। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी 2024 सीजन का 22 मार्च से होने जा रहा है। आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग का सामना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा, जबकि केकेआर की टीम अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को घरेलू मैदान में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी। केकेआर ने हालांकि आगामी सीजन के लिए एक बड़ा दांव चला और वो दो बार केकेआर को आईपीएल खिताब दिलाने वाले कप्तान गौतम गंभीर को मेंटोर के तौर पर वापस बुला लिया है। जी हां, इस तरह की गंभीर की केकेआर में वापसी पर उनकी टीम ने धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी वेंकटेश्वर अय्यर ने अब बड़ा बयान दिया है। जी हां, गौतम गंभीर का वापस आना हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ा बोनस है। मैं अब उनके साथ काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ। वेंकटेश ने अय्यर ने कहा कि मेरी जब भी उनसे बात हुई उन्होंने मुझे हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन के बजाय टीम के हित में खेलने की बात कही है। हमारी टीम के कोच चंद्रकांत पंडित के साथ उनकी जोड़ी देखने लायक होगी। दोनों लोग गेम की प्लानिंग पर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं और काफ़ी अच्छे ही प्लानिंग बनाते हैं और दोनों के पास ट्रॉफी जीतने का अच्छा खासा अनुभव है। गौतम गंभीर की कप्तानी में केकेआर ने साल 2012 और साल 2014 में दो बार आईपीएल का खिताब जीता था। पिछले साल 2023 सीजन में गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए मेंटोर की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब केकेआर की टीम ने उन्हें पिछले आईपीएल 9 की सीजन से खिताब में सूखे देखते हुए लेकिन केकेआर की टीम ने पिछले 9 सालों में आईपीएल सीजन से खिताब के सूखे देखते हुए आईपीएल में विनर पूर्व कप्तान को टीम से जोड़ लिया है। जी हां, अब गौतम गंभीर अपनी प्लानिंग से ही आईपीएल सीजन 2024 को जिताना चाहेंगे। आईपीएल की कप्तानी में 2024 सीजन में श्रेयस अय्यर करते आपको नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केकेआर की कप्तानी आईपीएल 2024 सीजन में श्रेयस अय्यर करते आपको नजर आ सकते हैं और हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या गौतम गंभीर के वापस आने से केकेआर में 9 साल का सूखा खत्म हो जाएगा या ऐसे ही फिर से चलता रहेगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।